हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है आशीष कपूर और चैनल का नाम है फिजिक्स बाय आशीष कपूर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम स्केलर क्वान्टिटी कहते हैं स्केलर क्वान्टिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होती डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी जैसे कि आपकी डिस्टेंस डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वान्टिटी और जिन क्वान्टिटीज़ में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिखानी पड़ती है उन्हें हम बोलते हैं वैक्टर क्वान्टिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल डिसमेंट इज़ ए वैक्टर क्वान्टिटी तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस क्या होती है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी कोई भी एक मूविंग बॉडी है वो जितना लंबा रास्ता ट्रेवल कर रही है तो उस रास्ते की लंबाई को ही क्या बोलते हैं हम डिस्टेंस हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इस बात को मान लिया आपको डायरेक्शन शो करनी है तो बोर्ड में या अपनी कॉपी के प्लेन में हमेशा अपने सामने की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन ये साउथ डायरेक्शन और ये ईस्ट और ये वाली डायरेक्शन आपको हमेशा वेस्ट डायरेक्शन शो करनी होती है तो एक बॉय एक है वो अपने घर से चला और उसे अपने दोस्त के घर जाना है यहाँ पर बॉय का घर है ए पर फाइनली जो उसका फ्रेंड है उसका घर है डी पर तो एक रास्ता तो सीधा था ए टू डी लेकिन वो फ्रेंड के घर सीधा नहीं गया बल्कि ए से पहले गया बी पॉइंट पर सपोज बी की जो डिस्टेंस है ए से बी तक की पाथ लेंथ कितनी है टू किलोमीटर फिर गया बी से सी तक देखो ए से बी किस डायरेक्शन में है नॉर्थ डायरेक्शन में फिर बी टू सी लेट फाइव किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की और पहुंच गया सी पर और फिर सी से अपने फ्रेंड के घर पहुंच गया डी पर तो सी टू डी कितना है टू किलोमीटर तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इस पूरे रास्ते की लंबाई कितनी है तो वो हो जाएगी इसकी डिस्टेंस और डिस्टेंस विल बी स्केलर क्वांटिटी तो डिस्टेंस विल बी टू किलोमीटर प्लस ये वाला टू किलोमीटर प्लस फाइव किलोमीटर प्लस ये वाला टू किलोमीटर तो डिस्टेंस विल बी नाइन किलोमीटर और आप ये देखिए इसमें कोई डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी अगर वो बाइक से गया है तो उसका जो पेट्रोल जो फूकेगा वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी जितना वो लंबा पाथ ट्रेवल करेगा उतना ही ज़्यादा उसका पेट्रोल जो है वेस्ट होएगा जलेगा ठीक है बाइक का तो डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ लेंथ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्प्लेसमेंट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस इनिशियल कहाँ है जहाँ पर वो पहले था जहाँ से शुरुआत हुई मोशन की फाइनली वो कहाँ पहुँच गया यहाँ पर डी पॉइंट पर तो ए से डी किस डायरेक्शन में है अगर हम वो डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दें इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में तो दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ए टू डी देट मीनस फाइव किलोमीटर ये रेक्टेंगल की शेप है आमने सामने की साइड सिक बोल होंगी ये फाइव है तो ये भी फाइव है तो एक्चुअली उसके फ्रेंड का घर जो था उसके घर से फाइव किलोमीटर किस डायरेक्शन में था ईस्ट डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइव किलोमीटर ईस्ट तो डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीज़ें आ गई हैं मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वैक्टर क्वान्टिटी जबकि डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वान्टिटी और क्योंकि ये जो मोशन था पूरा जो टोटल मोशन था ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं था इसीलिए डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है अगर ये मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ ए टू डी अगर वो जा रहा है बिल्कुल सीधे रास्ते पे जा रहा है फाइव किलोमीटर की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस भी फाइव किलोमीटर होगी और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा फाइव किलोमीटर होगा तो अगर रैक्टीलिनियर मोशन है यूनी डायरेक्शनल मोशन है एक ही डायरेक्शन में मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है अगर मोशन जिग जा गया है या किसी भी अदर टाइप का मोशन है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होती है तो अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखें तो हमें यहाँ डिफरेंसेस क्या मिल रहे हैं अगर हम एक तरफ डिस्टेंस लिख लें और दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट लिख लें डिस्टेंस तो क्या है एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी डिस्टेंस क्या होती है टोटल पाथ लेंथ जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ तो वन डिफरेंस हो गया ये सेकंड डिफरेंस हो गया थर्ड डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा या तो ज्यादा होगी या फिर बराबर होगी डिस्टेंस या तो हमेशा ग्रेटर होगी या इक्वल टू होगी किस चीज़ के साथ में डिस्प्लेसमेंट के साथ में ओनली इन यूनी डायरेक्शनल मोशन वन डायरेक्शनल मोशन वो भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव में तो तभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी अदरवाइज हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर ही होगी अगली बात आप ये देखिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि जितना भी पाथ लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है अगर हम एक्स वाई जेड एक्सिस पे हम इसी चीज़ों को शो कर रहे हैं तो ये है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये वाली आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में तो दैट विल बी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो दैट विल बी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर फाइव किलोमीटर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं ईस्ट की तरफ तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस फाइव किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस के फाइव किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव दूसरी बात अगर हम कहीं से चल रहे हैं वहीं पे घूम के आ रहे हैं जैसे हम सर्कुलर मोशन में देख रहे हैं ए से चले और वापस घूम के वहीं पर आ गए तो डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी इसकी टोटल जितनी सरकम फेरेंस है उतनी हो जाएगी सरकम फेरेंस कितनी होती है टू पाई आर तो डिस्टेंस विल बी टू पाई आर लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जब हम ए से चले घूम के वहीं पर ए पर ही आ गए तो इन दोनों पॉइंट्स की बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी दैट मीन्स डिसप्लेसमेंट विल बी ज़ीरो तो हमें बात पता चली कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है अगर बॉडी मूव कर रही है तो जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है मूविंग बॉडी के लिए फॉर मूविंग बॉडी यह शर्त है कि बॉडी मूव करनी चाहिए अगर बॉडी रेस्ट में तब तो डिस्टेंस ज़ीरो हो सकती है लेकिन अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस जो है ज़ीरो नहीं होगी डिस्टेंस विल बी नॉट ज़ीरो इज़ नेवर जीरो जबकि मूविंग बॉडी के लिए ही फॉर मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो एक और डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस को हम हमेशा न्यूमेरिकली ऐड कर सकते हैं सीधा सीधा जो है अगर टू किलोमीटर में फाइव किलोमीटर ऐड कर लेंगे एल्जेब्रिकली और इसमें टू किलोमीटर ऐड कर लेंगे हमें इसमें कुछ और मेथड लगाने की जरूरत नहीं है सीधा सीधा मैग्नीट्यूड को ऐड कर लेंगे जबकि डिस्प्लेसमेंट को अगर हमें ऐड करना है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वैक्टर क्वान्टिटी तो हमें वैक्टर के मैथड से ही ऐड करना पड़ेगा अगर पहले डिस्प्लेसमेंट मान लिया ये है फाइव किलोमीटर ईस्ट फिर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अगर हो गया फाइव किलोमीटर नॉर्थ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वेक्टर मेथड से आप ऐड करेंगे तो ये वाला आएगा हाइपोटेनस आएगा और दैट विल बी फाइव रूट टू ठीक है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते टाइम हमें वेक्टर मेथड्स का यूज करना है वेक्टर के आपको पता है एडिशन के दो मेथड्स हैं ट्रायंगल मेथड और पैरलोग्राम मेथड <coughs> किसी का भी आप यूज करेंगे तो डिस्टेंस को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं और जबकि डिस्प्लेसमेंट को आपको हमेशा वेक्टर के मेथड से ही ऐड करना पड़ेगा डायरेक्शन को ध्यान रखते हुए तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा लेक्चर अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए तब तक के लिए थैंक यू